हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज बहुत ही एक यम्मी एक रेसिपी लेके आ गई। सिर्फ यम्मी नहीं है, हेल्दी भी है। हम लोग को छोटा बड़ा सबको बहुत ही पसंद है। एंड इसका अंदर देख सकते हैं बहुत टाइप का गर्दन है, जैसे कि आगे बड़ा चना हो गया, रेड चना हो गया, जो छोटा मूंग मटकी वटा ना, सब टाइप का इसमें है, गर्दन है। तो रात को भिगो के रखी थी, मॉर्निंग तक भिगो के, रात भर भिगा हुआ था। तो अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए खाना। इसको क्या बोल सकते हैं, आई थिंक मुझे भी एक्चुअली नाम नहीं। इसको राइस रोटी सबके साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज नाम बिना खाना बनाए, मतलब नाम तो क्या क्या है उसमें, सबका नाम बटे रेसिपी का क्या नाम दो सोच रहे। आप लोग कमेंट पे बताइएगा क्या नाम दो रेसिपी का। सो देखिए, मैं कुकर में सीटी मारने के लिए गैस पे चढ़ा दिया। इधर मैं मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। एंड अदरक लहसुन का पेस्ट मैं सिलनोड़ा से पीस रही हूँ, तो बहुत यम्मी लगता है अदरक ऐसे सिलनोड़ा में पीसने। तो उधर मेरा कुक हो रहा है, मूंग मटके वटाने सब कुछ कुक हो रहा है। इधर मैं जो चाहिए वो कट कर ले रही हूँ, तो टमाटो हो गया, ऑनियन हो गया, सब कुछ कट करके ले रही। तो ऐसे मुझे बारीक बारीक ऑनियन कट चाहिए, बारीक बारीक भी टमाटो चाहिए, तो उसे कट कर ले। तो चलिए हो गया है, चेक करके देखते हैं कितना हुआ है। अब हम चेक करेंगे कितना हुआ, देख सकते बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। मैं थोड़ा पानी एक्स्ट्रा दी थी, एंड देखिए जैसे मुझे चाहिए था वैसे मैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें छोटा भी है तो छोटा वाला ज़्यादा ही पक गया है, बड़ा वाला एकदम परफेक्ट पका है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका अंदर थोड़ा ऑयल देने से अच्छा लगेगा। एंड पहला मैं तेल का अंदर दे दिया जीरा, जीरा को फ्राई होने के बाद एकदम बारीक बारीक काटा हुआ ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लेने का, बारीक बारीक ऑनियन देने से ज़्यादा अच्छे। तो देखिए ऑनियन मेरा फ्राई हो चुका है। अब जो हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई थी, तो अदरक लहसुन का पेस्ट है ऑनियन फ्राई का अंदर दे देने का, आधा टीस्पून जीरा देने का। आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा रोटी परोटा राइस, मुझे तो राइस के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं राइस बना हुआ दिखाई नहीं है, रोटी बनाई थी, बट राइस के साथ में गाइस बहुत अहम लगेगा, प्लीज़ ट्राई मी। तो अभी फ्राई हो चुका है, फ्राई होने के बाद देखिए सॉल्ट, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर दे के थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हल्का पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाला अच्छे से कुक हो जाए। एंड उसमें अगर बिना पानी का मसाला फ्राई करता है ना गैस, एक स्मेल आ जाता है, फ्राई हुआ स्मेल आता है। थोड़ा सा पानी दे के फ्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से कुक होता है और उसका टेस्ट भी कुछ और होता है। थोड़ा सा टमाटो भी दे दी थी, बातों बातों में भूल गई थी। अब लोग ट्राई करके देखिए, बहुत एमी एक हेल्दी रेसिपी, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हैं मसाला मेरा फ्राई हो रहा है। इधर जो हम लोग का जो सीटी में, तो उसका पानी जो है वो अलग करके रखने का, गाइस पहला हम लोग मसाला का अंदर देंगे सब मूंग मटकी। तो अब देख सकते हैं पानी ऊपर, सॉरी मसाला के ऊपर तेल आ गया है। तो मसाला का अंदर ऐसे तेल आ गया तो समझ जाना मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम लोग इसमें अच्छे से फ्राई होने के बाद ही जितना हम लोग उबाल कर रखी थी उबला हुआ सब में कहीं मसाला का अंदर दे देंगे। देने के बाद थोड़ा सा भुनेंगे, हल्का भुनने के बाद जो पानी हम लोग निकाल के रखे थे वो पानी को सब मसाला के अंदर ऐड कर देने का। और ग्रेवी का पानी ऐड करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी होगा। ऊपर से कुछ हरा मिर्च देने के बाद ही ढक्कन लगा के 5-6 मिनट पकाने के। एंड मैं इमली भी भिगा के रखी थी, इमली देने से गैस और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो इमली देखिए अभी खा के देखिए बहुत अहमी लगता है। तो देख सकते हैं मैं इमली भिगो के अच्छा से हो गए, ढक्कन 5-7 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठा के देख रहे, देखिए गाइस कलर किया, सिर्फ कलर नहीं गाइस खाने में बहुत अहमी बना था। एंड इमली का पानी हम लोग ऐड कर देंगे, इमली का पानी जैसे सान के देने का अच्छा रहता है, क्योंकि इसका अंदर इमली का जो छिलका बारीक बारीक छिलका रहता है वो मुँह में रहता है, पेट में रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे सान के दे देंगे, ताकि कोई गंदगी ना जाए। इमली का पानी देने के बाद ही गैस देखिए मेरा मसाला का कलर कुछ और ही हो गया, मिक्स मसाला का कलर कुछ और ही दिख रहा है ना। तो मैं और पकाऊंगी, थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा ही हो गया इमली के पानी देने के बाद ही। अब चलिए धनिया पत्ता काट कर लेते हैं, इसके अंदर धनिया का पत्ता तो बनता है गैस, अगर धनिया पत्ता का नहीं दिया तो और कुछ नहीं, मुझे बहुत पसंद है धनिया का पत्ता। मेरा मिक्स गर्दन पक रहा है, अब मैं थोड़ा रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लिया, आटा गूंद के थोड़ा सा साइड में रख दी। अब लास्ट ऑलमोस्ट होने वाला है मेरा जो मिक्स गर्दन मसाला, तो अब दे देंगे धनिया का पत्ता देंगे। तो
देख सकते कितना अच्छे से कुक हो चुका है, छोटा छोटा वाला वो एकदम सॉफ्ट हो गया, ऊपर वाला वो आका है, तो ऐसे ही बहुत मजेदार लगता है गैस। एंड लास्ट मोमेंट में धनिया पत्ता दे के हम लोग और जस्ट 2 मिनट पकाऊंगी। 2 मिनट पकाने के बाद ही तो अभी मेरा हो गया है ये मिक्स करदन मसाला। तो कैसे लगा गाइस आज का रेसिपी? आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं तो खा के ही बता रही, बहुत ही अम्मी बना था। एंड अम्मी बना जो अच्छा बनता है गाइस, मैं वही शेयर करती हूँ। मैं डेली कोई ख़राब चीज़ होता है मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करती हूँ, ये नहीं, क्योंकि ये मैं डेली जो खाना खाती हूँ वही दिखाती हूँ आप लोग के साथ में, मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं रोटी बना रही हूँ, रोटी तो बनाई थी बट दोपहर को कोई रोटी नहीं खाई थी, रोटी राइस सब बनाई थी, सब राइस ही खाया था, तो रोटी के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। तो रात को मेरा रोटी का काम हो जाएगा। एंड ऐसे थोड़ा सा तवा पे फुला फुला ली थी, क्योंकि बोलते बहुत सारे लोगों ने बोलता है ऐसे फुलका नहीं खाना चाहिए, गैस से डायरेक्ट उबाल के नहीं खाना चाहिए। तो देख सकते हैं थोड़ा सा एक राइस ले लिया अच्छा दिखने के लिए। एंड खाने को बहुत लोगों ने पसंद करते हैं, बहुत लोगों का अंदर मैं भी आती हूँ कांदा खाने का, नींबू, मिर्ची, मिर्ची इतना नहीं खाती हूँ बट कांदा खाती हूँ। एंड कैसे दिख रहा है? दिखने में क्या नहीं गाइस, बना के देखिए, बहुत मज़ेदार एक रेसिपी है, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रहा है। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।